दोस्तों मैं तो बच गया और अब आपकी बारी है। ऐसा ही कुछ टाइटल आप लोग को देखने को मिला होगा, साथ में थंबनेल। तो बहुत ही जरूरी जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये जो टॉपिक है स्पॉन्सरशिप यानी कि पेड प्रमोशन, या अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप आता है आपके ईमेल में और स्पॉन्सरशिप ऑफर मिलती है आपको, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। इससे आपका चैनल हैक होने से बच सकता है। मैं तो बच गया, अब आपकी बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के डेट में हैकर्स काफी एक्टिव हो गए हैं और साथ ही बहुत प्रोफेशनल भी हो गए हैं। आपको स्पॉन्सरशिप के इस तरह के ईमेल आपको ईमेल बॉडी या ईमेल फॉर्मेट में आएंगे, आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाइएगा कि वो ओरिजिनल ईमेल है या फेक स्पॉन्सरशिप का ईमेल है जो हैकर्स के द्वारा भेजे गए हैं। तो मैं इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक महीने के अंदर मेरा जो ब्लॉग चैनल है सुनेहास ब्लॉग के नाम से, उसमें जो मैंने बिजनेस ईमेल दिया हुआ है, उसमें एक महीने के अंदर मुझे 3 फेक स्पॉन्सरशिप ईमेल आए, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसको उस ईमेल की स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और मैं बारीकी से बताऊंगा कि फेक स्पॉन्सरशिप को आप किस तरह से पकड़ सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं वो ओरिजिनल है या फेक है। दोस्तों हैकर्स जो हैं वो सिर्फ नए चैनल को ही नहीं, जो ओल्ड चैनल है, पुराने चैनल है जिनके सब्सक्राइबर बेस अच्छे हैं, या दोस्तों हाल फिलहाल में जिनका मोनिटाइज हुआ है चैनल, मोनिटाइजेशन जिन्होंने ऑन किया है अपना टारगेट को कंप्लीट करके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम को पूरा करके, उन्हें भी हैकर्स अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से और कंप्लीट देखिएगा। मैं बारीकी से बताने वाला हूँ कि फेक स्पॉन्सरशिप का ईमेल किस तरह का आपको आता है और आप किस तरह से पकड़ सकते हैं कि वो फेक है। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैकर जो है चकमा देने में बेहद स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई है और दोस्तों हैकर्स भी अपने आप को अपडेट कर दिया है। तो ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसा आप न धोखा खा जाएं और दोस्तों आपका चैनल हैक ना हो सके। तो दोस्तों ये चीज़ को एकदम फॉलो कीजिएगा आप। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने जिस भी ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है यानी कि ओपन किया है, सेम बिजनेस इंक्वायरी या प्रमोशन के लिए उस ईमेल आईडी का यूज ना करें। आप अदर ईमेल आईडी बनाएं और बिजनेस ईमेल के तौर पे उसे यूज करें। मतलब साफ है कि जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी को अब हाइड रखें, किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब चलिए दोस्तों दिखाता हूं मैं फेक स्पॉन्सरशिप किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फेक है। दोस्तों ये पहला ईमेल है जो मुझे आया, ये फेक है। देखिए आपको मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे ओपेरा लिखा हुआ है @lepost.net। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ओपेरा एक ब्राउज़र है और जो भी ओपेरा आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे मेल बॉडी में लिखा हुआ है आई एम द मैनेजर ऑफ ओपेरा सॉफ्टवेयर। देख के मुझे हंसी आ गई, किसी भी मैनेजर को, वो भी ब्राउज़र का जो एक ओपेरा एक नामी गिरामी कंपनी है, उसको फुर्सत नहीं है कि मैनेजर ऑफ ओपेरा सॉफ्टवेयर मुझे ईमेल करेगा और स्पॉन्सरशिप ऑफर करेगा, पेड प्रमोशन करवाएगा मुझसे। तो यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं ये कम्प्लीटली फेक है। दोस्तों पहली बात तो ये, और दूसरी बात ओपेरा कभी भी ऑफिशियल मेल करेगा तो @opera.com होता है उसके ईमेल आईडी में, तो आप समझ सकते हैं कि ये फेक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे ईमेल आईडी की। यहाँ देख सकते हैं गेंट चिप वहाँ दिया हुआ है और दोस्तों मैं बता दूं कि गेंट एक कंपनी है, क्लोथिंग कंपनी है आप देख सकते हैं, और स्वीडन की कंपनी है, यूके बेस्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ये भी जो हैकर्स है इसने जो मुझे ईमेल किया है @email.cz, यानी कि ये कम्प्लीटली फेक है। आप समझ सकते हैं अगर गेंट ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप मेल होता, जेन्युइन जो होता है ओरिजिनल, तो वहाँ पर @gant.com होता, तो ये भी समझ सकते हैं। उसने दोबारा ईमेल किया मुझे 7 दिन पहले और उसने दोबारा एक लिंक भेजा जब मैंने रिप्लाई नहीं किया मेल का, तो उसने इम्मा किंग के नाम से एक और ईमेल किया, आप देख सकते हैं gant@costumeinfo.live। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप हैकर्स का रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो ईमेल चेंज कर करके उसमें रिप्लाई ऑल करते हैं आपको, और इसमें देख सकते हैं उन्होंने लिंक भेजा। अगर मैं गलती से भी इस लिंक पर क्लिक करूंगा मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा और चैनल डिलीट हो जाएगा या उसने कुछ डिमांड कर देगा।
दोस्तों ये चौथा ईमेल है, रमी ग्ली के नाम से सब्जेक्ट में आया हुआ है और यहाँ देख सकते हैं gmail.com। कोई भी कंपनी gmail.com से ईमेल नहीं करती है, उसके एट दी रेट के बाद उसका कंपनी का वेबसाइट रहता है, ओरिजिनल जो उसका मतलब अपना जो वेबसाइट होता है .co या .in या .com जिस तरह का भी होगा, तो वो ओरिजिनल ईमेल मतलब वेबसाइट से ही आता है। और देख सकते हैं गूगल यहाँ पर खुद ही बता रहा है सीम्स डेंजरस दिस मैसेज, यानी कि इस मैसेज पे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल आईडी या यूट्यूब चैनल सीधा हैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलर मैसेज वेयर यूज टू स्टील्स पीपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये हम ईमेल लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है, हैक कर रहा है। दोस्तों वहाँ पर साफ लिखा हुआ अटैचमेंट को डाउनलोड ना करें, इस मेल का रिप्लाई ना करें अन्यथा यानी कि आपका चैनल हैक हो सकता है। और दोस्तों चैनल से पहले आपका जीमेल आईडी ही बर्बाद कर दिया जाएगा, तो इससे बचें। दोस्तों एक और मेल का मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं ad@wp.pl के नाम से आया है। कम्प्लीटली लग ही रहा है कि ये फर्जी है यानी कि फेक है। और आपको जैसा पता होगा दोस्तों स्पॉन्सरशिप दो तरह के होते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। तो दोस्तों इंटीग्रेशन का ये आया हुआ था ईमेल और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है देख सकते हैं ऑफर करेगा ये 50 से 4650 USD, यानी कि किसी भी ईमेल में आपको अगर ऑफर ऑलरेडी बता दिया जाता है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो मैं इतना या इतना ऑफर आपको करूंगा यानी कि पेमेंट करूंगा, तो इस तरह के ईमेल से आपको साफ क्लियर हो जाना चाहिए ये कम्प्लीटली फेक है। तो ऐसे ईमेल का रिप्लाई करने से बचे वरना आपका ईमेल आईडी हैक हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ज़्यादा कमाई के लालच में ऐसे ईमेल का रिप्लाई ना करें अन्यथा आपको पता है आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, आपका जीमेल आईडी या ईमेल आईडी हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाएगा, इसलिए ऐसे मेल से बचें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरे द्वारा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा विथ बेल आइकन मतलब घंटी दबा दीजिएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन मिलती है और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप ज्ञान, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।